भाई सब रेडी हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज एक नया व्लॉग होने वाला है। हम घूमने जा रहे हैं, वो कलकत्ता से बस थोड़ी दूर है, एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे मतलब जंगल सफारी का वो सब मज़ा आने वाला है। हम एक कैंप में रहने वाले हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी तो हम लोगों को निकलने में बहुत देर हो गई है। हम लोग सोचे थे थोड़ा जल्दी निकलेंगे, बट थोड़ा देर हो गया, बट कोई बात नहीं, चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं। और हम सब तो रेडी है, और हम दोनों जा रहे हैं और मम्मी पापा भी जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं वो रेडी हुए कि नहीं। हाय बोलो। हाय, सब रेडी हो गए? चलो रेडी निकलते हैं। चलो
तो अभी ये रात का टाइम है और 9:45 बज रहे हैं, तो हम अभी डिनर करने जाने वाले हैं। और शाम को मैं पफ्ड राइस दिया था और साथ में पकौड़ी भी, जो ऐसे एक बड़े से बाउल में दिया था, और साथ में चाय, तो अच्छा था। और ये है टॉयलेट कैंप का मेनू कार्ड। खाना अच्छा है, ठीक ठाक है, टेस्टी भी है और प्राइस भी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा भी नहीं है। और इवनिंग स्नैक्स में आप ये एक्स्ट्रा सब ले सकते हैं, बम्बू चिकन, ड्राई चिली चिकन, ये सब। इसके लिए आपको पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अभी डिनर में है रोटी और साथ में है चिकन, तो अभी खाने चलते हैं। हेलो, तो ये दूसरे दिन की सुबह है और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल पड़े हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए, जो कि बहुत ही हेक्टिक है मुझे लगता है। कि एक तो हम ये जो छोटा सा एकदम पतला सा जो रिवर है उसे क्रॉस करके आए नाव में, और फिर इस साइड पे है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बाउंड्री वॉल है, ये ग्रिल दिया हुआ है। तो अभी ये पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं एकदम पतली सी जंगल के बीचों में से, और ऐसे आगे भी है, बहुत दूर तक हमें जाना है क्योंकि इस साइड का जो एंट्री गेट था वो बंद है। तो मतलब कि बाहर से ही आधा तो दिख रहा है लेकिन कोई जानवर अभी तक नहीं दिखा। यहाँ पे वो हिरन की क्या बोलते हैं उसको, खेती होती है। हाँ, फिर इनको शेर को भगाने के लिए तैयार किया जाता है यहाँ पे हिरन को, और फिर वो सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है फिर वहाँ पे ले जाके छोड़ देता है। तो ये है पूरा खेल यहाँ का, और अंदर से ये बाहर से अंदर का पूरा जंगल दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर तक जाना है। ये पीछे देखिए, अभी हम रास्ता खो ना दे। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता तो है नहीं, जंगल के बीच में जो हम जा रहे हैं ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं दूसरा एंट्री गेट कहाँ पे है। ये अब आगे का देख लो, ये पीछे का कितनी दूर से हम आए हैं, और ये देखो आगे का, अभी बहुत दूर तक जाना है। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मज़ा बहुत आ रहा है। सिर्फ मतलब शांति शांति है, सिर्फ पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रहा है और पेड़ पौधों के वो सूखे पत्तों के, बस यही आवाज़ है और कुछ नहीं। तो ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, लेकिन धूप बहुत है, मेरा सर फट रहा है। अभी धूप थोड़ी कम होती तो अच्छा होता। तो चलिए आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कितना दूर है। I will let you